कोरोना काल ने त्योहारां दे रंग फिक्के कर दिते सन, पर इस वार कोरोना दा असर कुछ घटिया है, इसलिए पाबंदियां हटाईयां गईयां ने ते लोग खुश ने ते खुशी दे नाल इस खास त्योहार नूं मना रहे ने। बहुत खुशी है, दो साल बाद ईद उल फितर की नमाज जामा मस्जिद में अदा हुई है। पिछले दो साल से हमने देखा कोरोना काल के चलते ईद उल फितर की नमाज से जामा मस्जिद महरूम रही थी, तो हमें बहुत खुशी है इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक आई फील सो हैप्पी, यू नो, कमिंग बैक फ्रॉम अफ्रीका एंड देन फाइंडिंग लाइक ऑलमोस्ट द सेम थिंग हियर। अल्हम्दुलिल्लाह, नाइस ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह, यू आर हियर जामा मस्जिद। या आई एम जामा। व्हाट यू से अबाउट द जामा मस्जिद? एक्चुअली इट्स अ नाइस प्लेस एंड यू नो लाइक सो मेनी मुस्लिम्स कमिंग टुगेदर, लाइक दैट्स अ ग्रेट थिंग। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, थैंक यू वेरी मच। योर नेम? आई एम इब्राहिम। It was awesome. It was marvelous that we came to the Jamaa Masjid to celebrate the end of the holy month of Ramadan, which is the Eid today, where majority of all the Muslims in India gather at the Jamaa Masjid to observe the end of the holy month of Ramadan. Alhamdulillah, it was a great experience for me, experiencing my first Eid out of the family down in Jamaa Masjid. You come first time in Jamaa Masjid? Yeah, actually I came to India in 2019, and in 2020 there was no Eid due to Corona, 2021 no Eid. So it is indeed a great pleasure to come to the Jamaa Masjid today and observe the Eid al-Fitr. Eid Mubarak, Bargat ho, Desh mein pure Bargat ho, aur Shanti ho, Amal ho. आप चाहते हैं सब लोग मिलजुल कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगा यहाँ का। आई थिंक क्या कहना चाहेंगे, चूंकि आप बोलिए मौका है। बिल्कुल ऑब्वियसली बात है, ईद का मौका है एंड ऑब्वियसली बात है, ईद का मतलब ये हैप्पीनेस। एंड दो साल के बाद जब जामा मस्जिद जब ओपन हुई है, तो इट गेव अस अ लॉट्स ऑफ प्लेजर, जिसका मैं आपको बयान ही नहीं कर सकता। इसीलिए सारी फैमिली हमारी आई है, सारे कजन्स हैं, अंकल्स हैं, हम खुद आए हैं जस्ट टू सेलिब्रेट और टू ऑफर आर नमाज हियर ओनली। एंड जामा मस्जिद जैसा मतलब एक प्लेस हो, तो ये तो शाही मस्जिद में से काउंट होते हैं, मतलब इट्स अ हेरिटेज, यू कैन से दैट। सो हेरिटेज की अगर आपने बात की है, तो मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। पिछले दिनों हमने देखा कि कई चीज़ों मौकों पर जो है तनाव फैला, दो कौमें आपस में भिड़ गई, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें दोनों चीज़ों की, दोनों ही मैं अगर कहूँगा तो दोनों ही जो कम्युनिटीज़ हैं, दोनों से ही गलती हुई है। कुछ लोग एग्रेसिव होते हैं, कुछ लोग मतलब काम रहते हैं। जो एग्रेसिव होते हैं वो ये चीज़ को मतलब उसका मतलब पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखते कि किसके लिए किस वे में जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा। गलती दोनों के एंड से होती है और बदनाम कौन होता है? कम्युनिटी होती है। बात आती है सीधी कम्युनिटी के ऊपर। अगर यही चीज़ हम दोनों कम्युनिटी या कोई भी कम्युनिटी हो, अगर वो ये चीज़ समझ ले कि एक मतलब कम्युनिज्म का मतलब क्या है, भाईचारा। अगर कोई गुजर रहा है मस्जिद के आगे से, गुजर रहा है गुजरने दो, मंदिर के आगे से गुजर रहा है गुजरने दो, बट वहाँ पे अगर आप कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हो जो किसी के धर्म को लेकर के, किसी के रिलीजन, इन टर्म्स ऑफ एनी रिलीजन, देश के हालात चल रहे हैं, उसके लिए ये कहना चाहेंगे कि सभी मिलकर आपस में राजनीति के चक्कर में ना आए। राजनीति है सब कुछ और कुछ भी नहीं है। हम अपने हिंदू भाई के साथ कारोबार करते हैं, हमारे हिंदू भाई हमारे साथ कारोबार करते हैं, कोई वो नहीं है। बाकी जो राजनीति करने वाले हैं वो राजनीति करवाते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है। हमारे माशाल्लाह पीछे सब हिंदू कम्युनिटी रहती है, हम इधर कभी कोई दंगा नहीं है, कुछ फसाद नहीं है। लेकिन जहाँ पर करवाना होता है सब प्रशासन का वो होता है, जब प्रशासन चाहेगी रोक सकता है, चाहेगा नहीं रोक सकता। हमने दो साल बाद ईद की नमाज़ पढ़ी है जामा मस्जिद में, और हमें बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ से। और क्या नाम है, मतलब खुशी हो रही है दो साल के बाद नमाज पढ़ के। तो आज अपने हिंदू दोस्तों के पास भी जाएंगे ईद की मुबारक? जी ज़रूर जाएंगे उनके पास, तो क्योंकि वो भी आए थे, क्या नाम है, जब उनकी दिवाली थी वो भी हमारे पास आए थे गिफ्ट देने के लिए। अब उनके पास हम जाएंगे ज़रूर मिठाई देने के लिए। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अनस है। मुझे बहुत खुशी है, दो साल बाद ईद उल फितर की नमाज जामा मस्जिद में अदा हुई है। पिछले दो साल से हमने देखा कोरोना काल के चलते ईद उल फितर की नमाज से जामा मस्जिद महरूम रही थी, तो हमें बहुत खुशी है इसमें। क्योंकि आपने यहाँ पर अभी नमाज अदा की है, क्या चाहते हैं आप कि देश में किस तरह से लोग, देश में अमन चारों और एकता कायम होनी चाहिए। इसे नाल मैनू दियो इजाजत, पर देश दुनिया ते पंजाब दी हर वड्डी खबर देखने के लिए देखते रहो एबीपी सांझा। पंजाब ते पंजाबियत दा परछावा, पंजाबी साडियां बावा, एबीपी सांझा। हुण देखो अपने टीवी स्क्रीन ते टाटा प्ले चैनल नंबर 1929 ते।
एबीपी सांझा देखने लई अपने केबल ऑपरेटर नू आज ही संपर्क करो। एबीपी सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।